एक्चुअली संभाजी ब्रिगेड के अधिवेशन में सम्माननीय शरद पवार जी के प्रमुख उपस्थिति में जिस प्रकार हिंदू देवताओं का अपमान किया गया है, हमारे हिंदू समाज के आराध्य दैवत प्रभु श्री रामचंद्र का अपमान किया गया है, उसका निषेध व्यक्त करने के लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं। हमें तो ये कहना है कि ये शरद पवार जी की स्क्रिप्ट तो है नहीं, ये उद्धव ठाकरे की स्क्रिप्ट है क्या, ये नाना पटोले की स्क्रिप्ट है क्या? हिंदू देवताओं का अपमान करके कुछ समाज का लांगून चालून करना, उनको समाज के लिए कुछ बढ़ोतरी करना, ऐसा उनका तो स्ट्रैटेजी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हिंदू समाज की ये तीनों नेताओं ने जाहिर माफ़ी मांगनी चाहिए और हम इस प्रकार का निषेध व्यक्त करने के लिए आज हम सब तमाम हिंदू संगठन इकट्ठा हुए हैं। आज यहाँ पर हम लोग सनातन हिंदू धर्म के सभी अनुयायी लोग एकत्रित हुए हैं। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में सनातन हिंदू धर्म के दैवतों के ऊपर जो अवाच्य भाषा का इस्तेमाल किया गया, उनके बारे में अपमानस्पदक शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसके तीव्र आंदोलन के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। भारत के राजकीय क्षेत्र के जाने माने कहने जाने वाले शरद पवार जी साहब ने, उनके उपस्थिति में किसी एक व्यक्ति ने हमारे आराध्य के ऊपर इस प्रकार का शब्द प्रयोग किया, इससे हम सब संतों की, इस हम सब अनुयायियों की भावना को ठेच पहुंची है। हम सब संत मंडली और तमाम हिंदू जन जागृति करने वाले सभी सदस्यों की ओर से हम मांगनी करते हैं, हम आह्वान करते हैं कि शरद पवार साहब ने इस विषय में तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए। क्यों मांगनी चाहिए? क्योंकि उनकी उपस्थिति में ये घटना हुई है। हमारा हिंदू समाज अब जागरूक हो चुका है। इतने दिन तक चल सकता था ये चीज़, लेकिन अभी ये चलेगा नहीं, अभी लोग भूलते नहीं हैं, अभी लोग अपनी उंगली का इस्तेमाल करके इसका उत्तर जरूर देने वाले हैं। शरद पवार साहब को इसका जवाब देना पड़ेगा। सभी शांत समाज को जाति में विभागना और अपना स्वार्थ पूर्ण करके काम करना, ये उनकी हमेशा ही नीति रही है, और इसको उत्तर देने का काम भारतीय जनता पार्टी हो, विश्व हिंदू परिषद हो, ये तमाम हिंदू संगठनों ने किया है और इसका उनको असर दिख रहा है, इसलिए ये इस प्रकार का कार्य पुनः आरंभ कर रहे हैं। लेकिन हिंदू समाज अभी सोया नहीं है, ये जागरूक हो चुका है, ये इनको पहचानता है। इन्होंने अगर माफी नहीं मांगी तो आने वाले समय में इसका जवाब हिंदू समाज देगा।